हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से एक मेम्स जनरेट करने वाली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के बाद अपने वेब होस्टिंग के पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर इस स्क्रिप्ट को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको स्क्रिप्ट पर राइट क्लिक करना है और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब आपकी स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको मीम्स के फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जितनी भी फाइलें होगी सारी फाइल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल करना है और फिर राइट क्लिक करके मूव कर देना है। आपको जो आपका पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर इन सारी फाइलों को मूव कर देना है। इस तरह से आपकी फाइलें मूव हो जाएगी। अब आपको अपनी वेब होस्टिंग में एक न्यू डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आपको डाटाबेस नेम देना है, यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है और फिर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका न्यू डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपके 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड में आपका यह डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब आपको मैनेज पे क्लिक करना है और PHP माय एडमिन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका वेब होस्टिंग का डाटाबेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक SQL की फाइल को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले आप SQL की फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। आपको अपनी वेब होस्टिंग में जो आपने स्क्रिप्ट अपलोड की वहाँ एक डाटाबेस फाइल होगी, उसके अंदर आपको एक स्क्रिप्ट होगी MySQL की, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। अब आपको ब्राउज़ पर क्लिक करके उस SQL की फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। अब आपको यहाँ गो पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी MySQL फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। अब आपको अपनी वेब होस्टिंग में जो आपने स्क्रिप्ट अपलोड की है वहाँ पर आपके पास एक config.php की फाइल होगी। आपको अपनी वेब होस्टिंग में स्क्रिप्ट के अंदर config.php फाइल को ओपन कर लेना है। हमें config.php फाइल को ओपन करना है। यहाँ पर हमें डाटाबेस का नाम और डाटाबेस यूज़र का नाम और पासवर्ड और जो हमारी वेबसाइट का URL होगा वो एंटर करके इस कोड को सेव कर देना है। यहाँ से मुझे अपने डाटाबेस का नाम कॉपी करना है और इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। इसी तरह से मुझे यहाँ पे डाटाबेस यूज़र का नाम एंटर करना है और फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है और साथ में जो हमारी वेबसाइट का URL होगा वो एंटर करना है और उस कोड को सेव कर देना है। मीम जनरेट वेबसाइट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट होती है। इस तरह की वेबसाइट में हम एडवर्टाइजमेंट लगाकर काफ़ी अधिक मनी अर्न कर सकते हैं। आजकल आप देखते हो कि फेसबुक पर बहुत तरह के मेम्स शेयर किए होते हैं, तो हमें उन मेम्स को क्रिएट करने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। तो आज जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट से आप मेम्स जनरेट कर सकते हो और काफ़ी मनी अर्न कर सकते हो। जो इस तरह की वेबसाइट होती है, इस तरह की वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है जिसकी वजह से हम यहाँ पर अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हमें इस कोड को सेव कर देना है। अब हमारी जो स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट को रन करवा के देख सकते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रही है। ये देख रहे हो कि हमारी वेबसाइट परफेक्टली इंस्टॉल होगी और ये परफेक्टली वर्क कर रही है। जो ये हमारी वेबसाइट है, ये एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट लगाकर काफ़ी अधिक मनी अर्न कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर पहले से भी मेम्स के लिए इमेज दी हुई है, आप इन इमेज को सिलेक्ट करके भी मेम्स क्रिएट कर सकते हो। और आप यहाँ पर मेम्स पे क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ पहले से क्रिएट हुए मेम्स भी है, आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप यहाँ पर न्यू कस्टम खुद के मेम्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करके बता देता हूँ, यहाँ से हम एक इमेज अपलोड कर, जैसे हम यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसके टॉप का टेक्स्ट देंगे और उसके बाद हम बॉटम टेक्स्ट देंगे। जैसे मैं यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स दे देता हूँ टॉप में, और बॉटम में हाउ आर यू। और जैसे मैं मैम इट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैम्स जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ इसे फेसबुक ट्विटर पे शेयर भी कर सकते हैं, और साथ में हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से भी इमेज दी हुई है, हम इन इमेज को भी सिलेक्ट करके मेम्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक इमेज सिलेक्ट करके बताता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज सिलेक्ट की और यहाँ पे टॉप में कुछ लिखता हूँ और फिर बॉटम में कुछ लिखता हूँ, फिर मेम इट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेम्स जनरेट हो जाएगा। हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।